जय हिंद दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और 25 मार्च 2022 से लेके 14 अप्रैल 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे जो पोस्ट है ब्रांच रिसीवेबल मैनेजर की पोस्ट रखी गई है। 159 टोटल पोस्ट रखे गए हैं। लास्ट एज रखी गई है 35 ईयर। तो पूर्व सैनिकों को कोई यहाँ पे पोस्ट रिजर्व करके नहीं रखे गए हैं, बल्कि एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जिसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है, डिग्री रखा गया है, आपने किसी भी स्ट्रीम से डिग्री किया हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि कंपलसरी है। और हर स्टेट की वैकेंसी इसमें रखी गई है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 26 स्टेटों की वैकेंसी यहाँ पे रखी हुई है और वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। ब्रांच रिसीवेबल मैनेजर पोस्ट का नाम रखा गया है। भूतपूर्व सैनिकों को दोस्तों यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज 35 साल मैक्सिमम रखी गई है, लेकिन भूतपूर्व सैनिक जो जनरल EWS हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि वो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जो OBC हैं वो 8 साल उनको, और SC ST को 10 साल की छूट दी जा रही है। यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है 600 रुपये जो जनरल और EWS OBC हैं उनको, और 100 रुपये जो भी ST SC और PWO और वोमेन कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये देनी हो। यहाँ पर जो पेमेंट मिलेगी दोस्तों, ये डिपेंड करेगा आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ओवरऑल सुटेबिलिटी, लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ द कैंडिडेट एंड मार्केट बेंचमार्क। इस पर डिपेंड करेगा कि आपको लास्ट सैलरी क्या देने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा प्योरली पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा, और साथ में अदर यदि उनके द्वारा कोई अलग सिलेक्शन का मेथड चूज किया जाता है तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है। तो इसी हिसाब से आपका पर्सनल इंटरव्यू और जो उनके द्वारा कोई नया मेथड यूज़ किया जाता है तो उसके आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन रखा गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा दोस्तों। और यहाँ पे जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, पहले 5 साल के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है और जो बैंक में आपका काम है उसके आधार पर डिपेंड करेगा। तो उसके हिसाब से आगे भी प्रोसेस को बढ़ाया जा सकता है, आपके जो इंगेजमेंट है सर्विस उसको बढ़ा दिया जा सकता है, डिपेंड करेगा आपके प्योरली परफॉर्मेंस पे। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से निकाली गई है और भूतपूर्व सैनिकों के यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी कि किस तरह से ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, स्कैनिंग फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी है उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, तो आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास इस तरह का एक्सपीरियंस है, आपने काम किया हुआ है और आप ग्रेजुएट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, बैंक में काम किए होने का 2 साल का एक्सपीरियंस। आज के इतना ही। जय हिंद।